अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी वीडियो को प्रोफेशनल स्लो मो वीडियो में बना सकते हैं। तो चलें शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए टिकटॉक स्नैक वीडियो के लिए आप वीडियो बना रहे हों और आप स्लोमो यूज़ करना चाह रहे हों तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज एक हम ऐप का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, बहुत ही प्रोफेशनल ऐप है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है अपनी वीडियो को प्रोफेशनल स्लोमो बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन एक लिंक मौजूद है, आपने वहाँ पर क्लिक करके VN वीडियो एडिटर दोस्तों एक एप्लीकेशन है, आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आके आपने कुछ भी दोस्तों एक वीडियो है जिस पर आप स्लोमो लगाना चाहते हैं आपने ऐड कर लेना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी वीडियो जो है ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि लास्ट पे आ जाना है। लास्ट पे आने के बाद ये इसका जो है लोगो आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपने ऊपर इसका जो है रेशो कोई सब सिलेक्ट कर लेना। आप देख सकते हैं ऊपर ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो अभी मैं टिकटॉक के लिए 9.64 रेशो सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप अपने आपसे जिस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं तो आपने उसके मुताबिक रेशो लेना है। उसके बाद अभी मैं एक दफ़ा आपको जो है वीडियो प्ले करके चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो पे कुछ स्लोमो नहीं लगा हुआ, तो ये आप देख सकते हैं कुछ स्लोमो नहीं लगा हुआ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी वीडियो पे स्लोमो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको नीचे थर्ड नंबर पे आइकन शो हो रहा है स्पीड, आपने इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रेगुलर है, आप इससे अपनी स्पीड जो है अपनी वीडियो की मुकम्मल स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं स्पीड कुछ इस तरह शो हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्लो हो गया है। तो आप अपने हिसाब से जो है अगर आप स्पीड कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं ये कर्व वाला जो है ना दोस्तों, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 5 डॉट शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है जहाँ पे आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ स्लो करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे नीचे डॉट को ले आऊँगा। डॉट को ले आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर स्लो हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जब हमारी वीडियो फास्ट है आप डॉक्टर चेक करें ये ऐसे कुछ शो कर रहा है। उसके बाद आपके उधर नीचे करने से आप देखें दोस्तों ये कुछ इस तरह से वीडियो शो हो रही है। आप देख सकते हैं हमारा जो स्लो मो लग चुका है दोस्तों, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही आसान है। तो उसके बाद दोस्तों आप जहाँ पे इसको स्लो करना चाहते हैं अपने कर्व को नीचे कर लेना है, जहाँ पे फास्ट रखना चाहते हैं उसको ऊपर कर लेना है। यह जो इक्वल है तो मैं इधर से दोस्तों उसको फिर यहाँ से इसको स्लो कर लेता हूँ। स्लो करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्लो होगा। ये जो ऊपर डॉट 3 लगे हुए हैं दोस्तों ये हमारा है वो इक्वल है। अगर हम इसको आप फास्ट करना चाहते हैं ऐसे तो आपने इसको ऐसे ऊपर कर देना। ऊपर करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी वीडियो बहुत फास्ट हो गई है, यहाँ पे फिर स्लो हो गया है। तो दोस्तों आप ऐसे करेंगे कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हर वीडियो के जो है वो अलग अलग पॉजिट होते हैं। जहाँ पे आप स्लो करना चाहते हैं जहाँ पे फास्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये हमारी दोस्तों बिल्कुल स्लोमो हो गई। अभी इसको मैं स्लोमो थोड़ा कम कर लेता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी इसको कर लेते हैं। दोस्तों आप देखते हैं ये हमारे ऊपर शो हो रहा है स्पीड कि आप कितना रखना चाहते हैं। तो ये 60 होगा, ये 50 होगा, 70, 80, 84, तो आप अपने हिसाब से दोस्तों रख सकते हैं। तो मैं इसको 50 पे रख लेता हूँ। ये स्लोमो इधर से हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो है इसको भी दोस्तों कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है, इसको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद दोस्तों ये हमारा बिल्कुल इक्वल हो गया। उसके बाद फिर ये हमारा स्लोमो ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये था जो स्लोमो आपको तो मैन्युअली कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ऑटो प्रीसेट भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कुछ इसमें शो कर रहा है लेकिन ये प्रीसेट मजे के नहीं है, आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। ये ऑटो हैं, आप इनको मैन्युअली भी कर सकते हैं वैसे अगर आप चाहें तो। उसके बाद दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये जंप कट इसका नाम है प्रीसेट का, ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है। तो दोस्तों ये भी एक है फास्ट आउट।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल वीडियो है, ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है। अभी एक कर्व लगा लेते हैं इसको। दोस्तों आपने याद रखना है कि आपने 50 तक ही रहना है, 50 से नीचे दोस्तों स्लो मो इसका थोड़ा सा जो है बहुत स्लो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि स्लो मो जो इसका रखना है वो आपने 50 तक ही रखना है। मैं उधर थोड़ा कर लेता हूँ करने के बाद दोस्तों, ये तो इसको भी आपने 50 का लेना है। तो दोस्तों आपने ओके कर लिया, ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो है कुछ इस तरह से बन चुकी है ये ऐसे। तो दोस्तों मैं आपको एक दूसरी वीडियो ऐड करके वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारी वीडियो ऐड हो चुकी है, बाद ये वाला ऐसा जो है रिमूव कर दे, रिमूव करने के बाद मैं एक दो हफ्ते को चेक करा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कोई सुधार हुआ, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी इसमें स्पीड में ला के तो एक स्लो मो उधर लगाते हैं, ये 50 पे गा लेते हैं 50। उसके बाद थोड़ा सा आप इधर ऐसे गा लेना है, दोस्तों आपने ऐसे इधर ये लगा देना है। दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, मैं तो वैसे जस्ट डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी हमारा जो स्लो मो कुछ से शो करेगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों, इसको आपने इधर कर लेना है। तो आपने ओके कर दें दोस्तों, अभी इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये स्लो मो लग गया है। उसके बाद ये हमारी वीडियो जो है वो रन हो गई है, ये हमारी नॉर्मल चल रही है दोस्तों। और यहाँ पे फिर दोस्तों हमारा स्लो मो लग चुका है। दोस्तों आप लोगों को काम ज़्यादा करना चाहते हो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप काम स्लो करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो मैंने जस्ट डेमो के तौर पर आपको बताया है। उसके बाद आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है दोस्तों, ये ऊपर एक्सपोर्ट शो हो रहा है, आपने इधर क्लिक करना है। इसकी रेजोल्यूशन आप 1080p 720p जैसे आप चाहें, फ्रेम रेट है, बिट रेट है। उसके बाद आपने क्या करना है के एक्सपोर्ट ओरिजिनल, तो आप चाहें इनेबल कर दें, ऑफ रहने दें, वो आप पे डिपेंड करते हैं। ओरिजिनल रखेंगे दोस्तों ये जैसे है वैसी रहेगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके रेजुलेशन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जस्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पहले दोस्तों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।